नेक्स्ट टॉपिक भाई देखिए, सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम भाई, एन पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम लिख लीजिए. वी हैव ए बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn. वी हैव ए बॉडी ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, m3 अप टू mn. हर एक का मास अलग मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे बराबर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. कर लोगे, समझ में आ रहा है? तो आपको पूरा टॉपिक करना जो मैंने पहले किया हुआ है, सब कुछ है उसके अंदर भी. तो अगर ये n पार्टिकल्स हैं तो इनके इंडिविजुअली क्या होंगे? पॉजिटिव वेक्टर भी होंगे भाई. इसका r1 होगा, इसका r2 होगा, इसका r3 एंड सो ऑन rn होगा. लिख लीजिए, हैविंग पोजिशन वैक्टर r1 r2 r3 एंड सो ऑन rn रिस्पेक्टिवली. हैविंग पोजिशन वैक्टर r1 r2 r3 अप टू rn रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? 1 के लिए 1 वाले, 2 के लिए 2 वाले भी. कर लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? अब हमने, अगर आपको याद हो, हमने कुछ चीज़ें निकाली थी भी. हमने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया था पहली कंडीशंस के साथ भी. हमने लिखा था कि dP1/dt इज इक्वल टू F12+, ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने, याद है कि नहीं है? फिर मैं dP2 निकाला था, सेम कंडीशन, फिर उनको जोड़ दिया था सभी को भी, सारे मोमेंटम को जोड़ के आंसर निकाले थे हम लोगों ने, याद है? फिर हमने देखा था कि सारे इंटरनल फोर्सेज जीरो हो चुके थे भी, बचे क्या थे? सिर्फ एक्सटर्नल बचे थे. तो मैं डायरेक्ट उससे शुरू करता हूँ टॉपिक, तो मतलब मोमेंटम को मैं ऐड कर रहा हूँ. कौन कौन से मोमेंटम हैं? dP1/dt पहले वाले का, प्लस dP2/dt सेकंड वाले का, यस आर नो एंड सो ऑन. कितने आए भाई? dPn/dt ये n वाले का भी इज इक्वल टू भी. एक्सटर्नल फोर्स तो सारे क्या हो गए? जीरो हो गए. अभी बाद में लिखेंगे उसको, जिसको हम लोग यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? F1 याद है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल्स, स्मॉल F2 सेकंड पार्टिकल्स एंड सो ऑन FN. ओके, ये तो सारे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस भी. और कुछ और भी था भाई, प्लस में क्या था? एक्सटर्नल फोर्सेस भी थे, सॉरी इंटरनल फोर्सेस भी थे भी. ये भाई लिख लिया उसको, इंटरनल फोर्सेस भी सही है. बाद में बहुत बताएंगे कैसे होते हैं जीरो. ये पता हमको कि एक जितना वन पे टू पे फोर्स लगाया, टू उतना ही वन पे भी लगाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस भी. न्यूटन सरला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे. कर लोगे? देखो भाई, तरीका ये है लिखने का, एन तक जाएगा. अब ये हर बार तो लिखेंगे नहीं हम लोग कि बार बार ये चीज़ लिखें एन तक जाएं. इन चीज़ों को जोड़ा गया अभी, और जोड़ने के दो तरीके थे हमारे पास, इंटीग्रेशन और समेशन में, याद है? अब समेशन की खासियत ये थी, समेशन दोनों फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते थे आप लोग, कॉन्टिन्यूस के लिए भी और डिसकॉन्टिन्यूस के लिए. और इंटीग्रेशन सिर्फ किसके लिए होता है? कॉन्टिन्यूस के लिए होता है. तो अच्छा रहेगा, क्या लगा रहते हैं? समेशन लगा रहते हैं, पता नहीं कौन सा 20 हो जाए 20 में से. अब हम आपको सिखाएंगे समेशन यूज करना भी. एक्चुअल में समेशन यूज कैसे करते हैं? समेशन देखिए, ये सिंबल होता है समेशन का भी. कर लोगे? जो भी चेंज नहीं हो रहा उसको ऐसे लिख दीजिएगा भाई, dD/dt सभी में है भी, चेंज नहीं हो रहा उसको ऐसे लिख दीजिए dD/dt. तो चेंज हो रहा है, 1, 2, 3 चेंज हो रहा है, इसको लिख दो इन टर्म ऑफ IJK की टर्म में भी. तो इसको लिख दिया मैंने, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है सर. फिर नेक्स्ट 2, 3, 4 इसको लिख दिया PI भी. क्या लिख दिया इसको? PI. और आई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है अभी? 1 से लेके एन तक, ये होगी इसकी लिमिट भी. इस पूरे का नोटेशन ये है अभी. समेशन लगाया, जो चेंज हो रहा है उसको लिख दिया आई की टर्म में. और आई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? ये इसकी लिमिट हो गई, आई फ्रॉम 1 to n भी. अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन में हमने ऐसे किया था, लिमिट लिखी थी साथ में भी, यहां से यहां तक चेंज करना मेरे को. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से क्या आप ऐप को लिख सकते हो?
एफ इज इक्वल टू समेशन लिखा, क्या चेंज हो रहा है भाई? चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वन के साथ वन आ रहा है, टू के साथ टू आ रहा है, तो क्या लिखोगे इसको? एफ आई, और इसका भी आई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है भाई? वन से लेके एन तक। सही लिखा है मैंने, ये स्पोरे की नोटेशन है भाई। प्लस ये भी बच गया भाई, हमने टू पार्टिकल सिस्टम यूज किया था पहले वाला, याद है आपको? उसमें ये लिखा था एक एफ वन टू था, एक एफ टू वन था भाई। इसमें तो बहुत होंगे भाई, पहले वन टू, वन पे कौन लगा रहा फोर्स? टू लगा रहा होगा। फिर वन पे वन पे कौन लगाएगा? थ्री भी लगाएगा भाई। वन पे कौन लगाएगा? फोर भी लगाएगा। वन पे फाइव भी लगाएगा, वन पे सिक्स भी लगाएगा, एन तक जाएगा। टू पे कौन लगाएगा? टू पे वन भी लगाएगा, टू पे थ्री भी लगाएगा, फोर भी, फाइव भी, एन तक जाएगा। थ्री पे कौन लगाएगा? वन टू फोर एंड सोन, बहुत से फोर्स आएंगे, कर लोगे। इन दो में देखो क्या हुआ है, ये भी चेंज हो रहा है नेक्स्ट के साथ, ये भी चेंज हो रहा है नेक्स्ट के साथ। इनको जोड़ूं विद समेशन, कैसे आंसर लिखोगे बताओ? समेशन भी सभी को जोड़ना पड़ेगा भाई, सारे फोर्सेज को। तो कैपिटल एफ है, इसके लिए हमने क्या यूज किया था? कैपिटल एफ यूज किया था। ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, तो क्या ले सकते हैं? आई, और यहां पे क्या ले सकते हैं? जी वन टू है, तो आई भी कुछ हो सकता है, जे भी कुछ हो सकता है। तो आई का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? वन से लेके एन तक, और जे का भी वन से लेके एन तक। कभी भी आई और जे बराबर नहीं है भाई, आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या किसी फोर्स में ये आ सकता है कि वन वन, कि वन वन पे फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। टू टू नहीं हो सकता। आई वन से एन जा रहा है, और जे भी कहां जा रहा है? वन से एन जा रहा है, लेकिन कभी भी आई और जे बराबर नहीं हो सकते। ये लिखा है यहां पे, समझ में आ रहा है? अब कुछ भी वैल्यू पुट कर लो भाई, आई की वैल्यू तीन रख दो, इसकी चार लग दो, क्या लिखोगे? एफ थ्री फोर, एफ थ्री फोर, मतलब थ्री पे कौन लगा रहा है? फोर्स फोर, सिंपल है भाई, ये पक्की बात है। ये फोर्स नेट कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि आपस में जब फोर्स लगेंगे नेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पहले मैंने किया भाई, कर पाओगे? इक्वेशन समझ में आई भाई? ये है मैंने इक्वेशन हमारी, कि एन के लिए क्या करें हम लोग, कर पाओगे? यस और नो? तो लिख लीजिए, टोटल इंटरनल फोर्स इज जीरो, टोटल इंटरनल फोर्स इज जीरो। ये हर बार क्या होगा? इंटरनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो मिलेगी आपको भी, कर पाओगे? तो क्या लिखोगे? समेशन एफ आई जे, ये सारे वेक्टर में लिखो भाई क्लास, आई जे, आई फ्रॉम वन टू एन, जे फ्रॉम वन टू एन, आई इज नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू, कितना आंसर है इसका? जीरो। यानी टोटल इंटरनल फोर्सेज क्या हो चुके हैं? जीरो हो चुके हैं। है समेशन आई फ्रॉम वन टू एन डी पी आई, याद है, बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एफ आई, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स था ये, है ना? एक्सटर्नल फोर्स, याद है क्या था ये? दो के लिए एफ वन प्लस एफ टू था ये, तीन के लिए एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, एन के लिए सारा एन कर देते प्लस अप टू एन तक, कर लोगे भाई? अगर आपको याद हो मैंने एफ वन प्लस एफ टू को भी एफ लिखा था आखिरी में, इसको भी एफ लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे अभी तक? अब पी कितना था अभी वहाँ पे? पी क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। मैंने बोला था कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? एक की वी वन थी, एक की वी टू थी। यहाँ पे क्या होगा? वी वन, वी टू, वी थ्री, वी एन जाएगा, वो भी आई तक जाएगा अभी। फिर हमने देखा था कि आर वन हर एक के अलग थे, तो व्हाट इज द मोमेंटम पी आई भी? डी बाई डी टी, आई फ्रॉम वन टू एन डी बाई डी टी। पी आई को क्या ले सकता हूँ? एम आई वी आई, मास इनटू वेलोसिटी भाई। अब उस टर्म में डालेंगे इसको, यस और नो? अब पी आई का क्या होगा? एम आई वी आई। पी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी तो होता है, मास इनटू वेलोसिटी। आई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? आई से। ये सभी के लिए हो गया भाई जोड़, तो क्या करते? डी बाई डी टी एम वन वी वन प्लस डी बाई डी टी एम टू वी टू प्लस डी बाई डी टी एम थ्री वी थ्री एंड सोन भी। ये सभी के लिए अभी कर पाओगे? इज इक्वल टू आई फ्रॉम वन टू एन एफ आई। सही है।
अगर आपको याद हो इसके बाद मैंने एम आई को कॉमन निकाला था भाई, एम को कॉमन निकाला था इसके बाद, और वी आई की वैल्यू पुट की थी मैंने भी। वी की वैल्यू कितनी थी, वी वन की वैल्यू यहाँ पे डी आर वन बाई डी टी थी, वी टू की कितनी थी डी आर टू बाई, तो वी थ्री कितनी होगी डी आर थ्री बाई, तो वी एन की कितनी होगी डी आर एन बाई डी टी, तो एन के लिए आई के लिए डी आर आई बाई डी टी। याद है? अगर आपको कल वाला टॉपिक याद है तो कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं एम को कॉमन निकाल सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं, एम को कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एम आई मैंने बाहर निकाल लिया भाई। अंदर क्या बचा, एक डेरिवेटिव ये बचा भाई डी बाई डी टी, और वी आई को क्या लिखा मैंने डी आर आई बाई डी टी, यस आर नो, इज इक्वल टू आई फ्रॉम वन टू एन एफ आई। समझ में आ रहा है भाई, सेम टॉपिक चल रहा है क्लास, फर्क कितना है ये एन के लिए कर रहे हैं हम लोग। ये क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया भाई। ठीक है, लिखो इसको, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई, इसको लिख सकता हूं डबल डेरिवेटिव भाई डी वाई डी आर टू किसका आर आई इज इक्वल टू किसके भाई आई फ्रॉम वन टू एन एफ आई, इसको मैं एफ लिख सकता हूं भाई, टोटल फोर्स वहां पे लिखा एफ वन प्लस एफ टू, मैंने एफ लिखा था, सभी को जोड़ दो भाई, ये भी टोटल फोर्स ही बनेगा बॉडी पे लग रहा है, सो यस सर नो, ये क्या एक्चुअल में एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर एंड सो ऑन हुई अप टू एफ एन इज इक्वल टू एफ। समझ में आया? यस सर नो, हाँ सॉरी भाई डी टी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सही है, कर लोगे ठीक है अकॉर्डिंग है सारा। अब उसके बाद याद है क्या किया हम लोगों ने, एम आई को अंदर ले गए थे हम लोग, कुछ याद हो तो बताओ, एम आई को हम अंदर लेके गए थे, कितना आंसर आएगा आई फ्रॉम वन टू एन डबल डेरिवेटिव एम आई आर आई यस आर नो इज इक्वल टू एफ यस आर नो। उसके बाद कुछ याद है क्या किया था, एम वन प्लस एम टू से डिवाइड किया, एम वन प्लस एम टू से भाग दिया था, क्योंकि यहाँ पर दो ही थी बड़ी थी भाई, यहाँ तो बहुत हैं भाई, कितने हैं रब कर दें, अगर वहाँ पे दो बॉडी थी M1 प्लस M2 कर दिया और टोटल मास होता बॉडी हो गया, कितनी टोटल मास हो गया यहाँ पे भी, M ले लूँ किसके बराबर होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन भाई प्लस Mn, दो के लिए दो N के लिए N भाई, वहाँ पे डिवाइड किया था M1 प्लस M2 से, यहाँ पे पूरे से कर लेते हैं, यानी इसको M बना लेता हूँ, M से डिवाइड किया M से भाग दिया, सही है यस और नो, यस को एम आई लिख दूं इन टर्म ऑफ समेशन भाई, कैपिटल एम क्या मेरा समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई भी हो गया, पूरा रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको जोड़ के साथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां पे दो से दो कर लिया आप एन, तो एन के लिए करेंगे सर, कर पाओगे। अब हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को एम आई से भाग दें, एम आई से गुणा कर लेते हैं, एम आई हो गया मेरा, तो अभी देख लीजिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द अबो इक्वेशन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द अबो इक्वेशन बाय एम आई, एम आई समेशन तो पहले है वहाँ पे, जो जरूरत नहीं है बताने की, समेशन से करना है, एम आई कर लोगे, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई मल्टीप्लाई हो गया, डबल डेरिवेटिव डी वाई डी टी स्क्वेयर एम आई आर आई डिवाइड बाई एम आई। अभी काटना नहीं है इसको, क्योंकि काट के बैठ जाओ, क्योंकि ये कह रहा नहीं है भाई, ये क्या है M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M3 R3, ये है M1 प्लस M2 प्लस, काट नहीं सकते उससे, इसको कैसे ये काट दिया आप लोगों ने, हम यहाँ पर आई बता दिया सर, ऐसा मत करना, ओके ये जोड़ने का दिखा रहा है अभी इन्होंने, कर लोगे और ये भी जोड़ने का अभी,
ये कैपिटल एम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अगर आपको आई से दिक्कत है एम आई से, तो उसको कैपिटल एम बना लो, कैपिटल एम से गुणा करें, कैपिटल एम से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, हो जाएगा इज इक्वल टू क्या भाई कोस है, हाँ वेक्टर लगेगा। अभी इक्वेशन बन गई, ये भी हमारी वहाँ पर बनी थी इक्वेशन, अगर आपको याद हो क्या था, एम वन प्लस एम टू डबल डेरिवेटिव एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, दो थे वहाँ पे तो इक्वल टू फोर्स, ये एन के लिए बना हुआ है सारा, कर लोगे। उसके बाद मैंने बोला था कि इस इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से भी, लिख लीजिए कंपेयर विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है क्लास, ये बोलता है कि मेरा फोर्स किसके बराबर होगा, एम डी आर वाई डी टी, याद है कि नहीं है, या डी एक्स ले लो इसको, मास है भाई ये रहा, फोर्स है ये रहा, डबल डेरिवेटिव है ये रहा, तो पक्की बात ये आर होना चाहिए। मेरा आर क्या भाई, क्या था कैपिटल आर था, याद था आपको कैपिटल आर मैंने यूज किया था, तो व्हाट इज कैपिटल आर भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको वैसे लिख रहा हूँ मैं अभी, मैं एम आई आई फ्रॉम वन टू एन डबल डेरिवेटिव, इसको लिख दूँ आर ऐसे में, वहाँ पे ऐसे लिखा था मैंने इसको, आर इज इक्वल टू भाई एफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो व्हाट इज आर भाई, यही था पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास में, किसको लिखा है मैंने इस चीज़ को, देखो भाई समेशन तो पक्के आएंगे एम आई आएंगे, तो समेशन लिखो, समेशन एम आई आर आई आई फ्रॉम वन टू एन डिवाइड बाई, नीचे क्या है समेशन, ये भी लिखने दो पूरे के साथ एम आई, ये पूरे के लिए इंडिविजुअल कर दिया मैंने समेशन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से, कर लोगे yes, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, ये भी चेक करना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास एक्स वाई जेड में हो भाई, स्पेस की बात करें हम लोग अभी, कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कैसे आएंगे भी? तो कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाले एक्स में डालेंगे, वाई वाले को वाई में डालेंगे, जेड वाले को जेड में डालेंगे, तो लिख लीजिए सेंटर ऑफ मास इन, इसी में लिखो भाई, इन कोऑर्डिनेट्स भी, सेंटर ऑफ मास इन कोऑर्डिनेट्स भी, एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना भी, ठीक है। उसके बाद एक दो एग्जांपल करेंगे तो समझ जाओगे क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कोई बॉडी है तीनों में हो सकती है अभी, एक्स में भी वाई में भी जेड में, अब पूछेगा आपको सेंटर ऑफ मास निकालिए इसका कहाँ पे होगा, तो एक्स में भी निकालना पड़ेगा आपको वैल्यू कितना आएगा, वाई में फिर जेड में भी, ठीक है। तो अलोंग एक्स इसको इन्होंने एक्स वर्ड यूज किया इसके लिए, मैं भी एक्स ही ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वन बाई एम, एम क्या है टोटल मास होता है बॉडी पे, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन, समझ में आ रहा है भाई। इन्होंने यूज किया इसके लिए अभी वही समेशन यूज करते हैं, समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई एक्स आई, एक्स में सिर्फ एक्स वाले भी, आर था ना, अगर आप देखो आर क्या था, आर इज द पोजिशन वैक्टर भी, अगर आपको याद हो वैक्टर फॉर्मेशन इसका भी, यहां पे एक्स आएगा यहां पे वाई आएगा, हम लिखते हैं आर वैक्टर को ऐसे भी एक्स आई प्लस वाई जे भी, और जेड तीनों तो जेड के भी, ये इसके कंपोनेंट है आर के भी, एक्स में कितना, वाई में कितना, और जेड में कितना, ये निकाल रहा हूं भी मैं, आर का वैल्यू एक्स में कितना, तो सिर्फ एक्स वाली वैल्यू करो एम आई एक्स, यहां था एम आई आर आई, यस और नो, और यहां पे डिवाइड बाई एम, याद है ना एम एम आई आर आई डिवाइड बाई एम आई था, टोटल मास एम ही था भाई, कर लोगे। वाई वाले की देखे तो कैसे करेंगे, सिंपल सिर्फ वाई वाले यूज करो, वाई वाले क्या थे, वन बाई एम समेशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई वाई आई भी, सही लिखा है, वाई में सिर्फ वाई वाले रखो, जेड में सिर्फ जेड वाले रखिए, जेड में कितना आएगा, वन बाई एम आई फ्रॉम वन टू एन एम आई जेड आई भी, एक दो एग्जाम्पल करूंगा तो समझ जाओगे क्या बोलना चाहते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन लिखो एक बार,
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टेक्सेस, वर्टेक्स लिख दोगे, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मास ऑफ पार्टिकल आर, मास ऑफ पार्टिकल आर 100 ग्राम, 100 ग्राम 150 ग्राम एंड 200 ग्राम भी, 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ओके आगे लिखिए भी, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर भी, 0.5 मीटर आपको हर एक साइड निकालना है। देखो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बन गया लेकिन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसमें पहले से आपको डायग्राम नहीं दे रखा है, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको इसमें। तो ये देख लो भाई, क्योंकि ट्रायंगल एक्स वाई में हो सकती है भी, या सर ना ये एक्स है ये वाई है भाई, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ए है ये बी है ये सी है। देखो अगर अगर सिंपल ट्रायंगल होती भाई, हर पॉइंट पे हर कोने पे सेम मास रखा होता तो उसका सेंटर मास कहाँ पे होता इस ट्रायंगल का, बीच में यानी सेंट्रोइड बोलते हैं, जहाँ पे लाइन मिलती है वहाँ पे होता भी, कर लोगे ये तो सेंट्रोइड भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हर एक कोने पे अलग मास रख रखा है। यहाँ पे कितना है इस पर 100 ग्राम मान लेते हैं, इस पर इसको एम वन ले ले, एम वन ले लेते हैं इसको, एम वन एम टू एंड एम थ्री। अब प्रॉब्लम क्या है, जो ए और बी और सी की पोजीशन क्या है अभी, एक्स में कितना वैल्यू है वाई में कितना वैल्यू, ये आपको निकालना है अभी। कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से मेरे को, एक बार जल्दी से बताइएगा कैसे निकालिएगा, एक्स में कितना अभी, ए का वैल्यू एक्स में कितना अभी, ये ओरिजिन मान रहा हूँ इसको मैं, ये जीरो है भाई, ये भी जीरो है, इसका वैल्यू एक्स में कितना है जीरो, और वाई में भी कितना है जीरो। ओके इसका वैल्यू कितना है भाई सी का, साइड कितना है हर एक साइड कितना है 0.5, यहाँ कितना है 0.5, यानी एक्स में 0.5 दूर है यहाँ से, एक्स तो 0.5 हो गया, वाई में तो है ही नहीं है, कितना है जीरो। तो क्या लिखोगे, पहले एक्स लिखा कि वाई लिखते हैं, एक्स 0.5 और ये कितना हो गया जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स भी, कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। इसका निकालो बी का कितना आएगा, बी का एक्स में कितना और वाई में कितना भी? देखो यहाँ पे ये तो ऐसे बनेगा भाई, अरे ये यहाँ पे वाई में ऐसा, इसका ऐसे निकालते हम लोग, एक्स में कितना भाई बताओ जल्दी से, एक्स में कितना, क्या ये सामने वाला ट्रायंगल्स को काटेगा बीच में भी, सॉरी लाइन को काटेगा बीच में, काटता है कि नहीं काटता, तो एक्स में कितना वैल्यू इसका 0.25, इसका हाफ वे, यस और नो। और ये कितना भाई, कैसे तो ये है 0.5 तो, अरे ये हाइट थोड़ी है, ये थोड़ी 0.5, ये है 0.5 तो, ये समझ में आई बात आप लोगों को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो चलो हो गया एक्स में, तो कितना हो गया हाफ, कितना वैल्यू भाई 0.25, एक्स में तो वैल्यू आएगी इसकी, वाई में कितना, ये पॉइंट यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका, ये 0.5 है भाई न कि ये, यस और नो। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं तो हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा हर एक एंगल, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का। क्या इस ट्रायंगल से आप ये निकाल सकते हो, यस और नो, इसको नाम दे देता हूँ डी पॉइंट, मान लो इसको क्या, ट्रायंगल इन द ट्रायंगल्स ए बी डी में मैं बी डी निकाल सकता हूँ, जिसको निकालना उसको ऊपर रख देते हैं बी डी, और जो दे रखा है उसको नीचे रख देते हैं ए बी, तो कौन सा एंगल बन गया भाई ये बी डी बाई ए बी, इट इज साइन बी,
साइन बना है कि नहीं बना? कितना एंगल बना साइन का? साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता क्लास? रूट थ्री बाई टू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? ए बी कितना भाई? ए बी है 0.5। यस सर ना? तो 0.5 इंटू साइन 60 अंडर रूट थ्री बाई टू भी सही लिखा है कि नहीं लिखा भाई? Yes, बताओ। अब इसको काट दे, कितना आंसर हुआ? 0.25 अंडर रूट थ्री। ये वैल्यू किसका? ये वाई का भाई। कितना? 0.25 अंडर रूट थ्री। सही लिखा मैंने? एनी प्रॉब्लम क्लास? कुछ नहीं करना है, बस आपको कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए भाई। पहले कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, सीख भी गए, ये डायग्राम में दिखे दिए मिलते हैं आपको कोऑर्डिनेट्स भी, कर लोगे। अब आपको निकालना है कि इसका एक्स में कितना सेंटर ऑफ मास और वाई में कितना सेंटर ऑफ मास। तो एक्स में निकाल सकते हो क्या? रब कर दे भाई इसको। फॉर्मूला क्या बना था, कुछ याद है? समेशन एम आई आर आई, एक्स आई, सॉरी एक्स आई था ना। मतलब क्या उस बात का? एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, तीन पार्टिकल यूज कर रहे हैं, डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री भाई। यही तो लिखा था मैंने नीचे, डिवाइड बाई एम लिखा था, कैपिटल एम भी, पूरा मास। याद है कि नहीं है? पुटिंग द वैल्यूज भी। आप किसको एम वन मान रहे हो? इसको, ये एम टू है, ये एम थ्री है, इसे बोल सकते हैं। एम वन कितना भाई? मास कितना था? सो इंटू जीरो भाई, एक्स वन का वैल्यू ये है भाई। प्लस दूसरा कितना था भाई मास? 150। एक्स टू कितना क्लास? 0.25। प्लस एम थ्री कितना है? 200। और एक्स थ्री कितना है भाई? एक्स थ्री 0.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 150 प्लस 200 भाई। कर पाओगे सोल्व इसको? इसका आंसर आएगा अभी क्लास, इट इज 5/18 मीटर भी। 5/18 मीटर, कोई बड़ी बात नहीं है। वाई में निकालो, वाई में एम वन कितना भाई? 100। और वाई वन कितना है? 0। प्लस एम टू कितना है? 150। और वाई वन कितना भाई? 0.25 अंडर रूट थ्री। यस सर नो? प्लस एम थ्री कितना है? 200। और वाई थ्री कितना है? 0 डिवाइड बाई 450 हो जाएगा। इसका y का आंसर कितना आएगा सोल्व करने के बाद? कर पाओगे ना सोल्व इसको? इसका आएगा 1/3 अंडर रूट थ्री भी, 1/3 अंडर रूट थ्री। कर लोगे? दो वैल्यू आ चुकी क्लास, x में कितना वैल्यू और y में कितना वैल्यू। देखो क्या वैल्यू आप निकाल सकते हो, ग्राफ से कितना आएगा, 5/18 कितना है, कुछ तो आंसर आएगा इसका भी। तो इससे आप पता कर सकते हो कि इस जगह पे कहाँ पे पॉइंट बनेगा उसका भी। मान लीजिए पॉइंट आ गया कोई भी, ये वाला पॉइंट इसका आ गया भी, और ये वाला पॉइंट इसका आ गया, कुछ तो वैल्यू मिलेगा। तो लाइन लगाओ ऐसे, और यहाँ पे लाइन लगाओ ऐसे, जहाँ पे काटेगा वही क्या इसका सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात है? तो आपको सिर्फ एक्स और वाई तक छोड़ना है, बताना नहीं है कि कहाँ पे होगा भाई, बस कर लोगे इतना छोड़।